नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको 10 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, हमारी ये पूरी सीरीज चलेगी जीके क्वेश्चन की। आपने सभी वीडियो को देखना है, आखिर तक देखना है, और आखिर में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन नए सीखे हैं और कितने क्वेश्चंस आपने पहले आते थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसके चार ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छह माही गति के कारण, या फिर तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो ए है, यानी कि दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और वो दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको इसके भी चार ऑप्शन है, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए बृहस्पति, यानी कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। आपने याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जनरली भी हम लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसके भी चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है बुध सी, यानी कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अघुलहास धारा किस महासागर में बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने पहली बार देखा होगा। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि हिंद महासागर में जो अघुलहास धारा है वो बनती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि पृथ्वी पर सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो डी है, लोहा और निकल। यानी कि पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग है, जो क्रोड है, वो लोहा और निकल का बना होता है। उसमें लोहे और निकल की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, यानी कि तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है वो तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, चीन। जी हाँ दोस्तों, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। चीन में ही सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, ओसाका, ठीक है दोस्तों। इसके चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों जो जापान के मुख्य नगर है उनके नाम है। तो इसका सही आंसर ए है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए हम आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और वो ये है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो वो था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसके दौरान डीकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक की एक संस्था थी, उसकी स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि जो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर ये है लॉर्ड कनिंग। जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से कंपिटेटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेन क्वेश्चन है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उसका आंसर ये है लॉर्ड कनिंग था, जो वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जीके के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, और ऐसे ही और भी जीके क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और ये कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन नए सीखे हैं और कितने आपको पहले आते थे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।